हेलो दोस्तों, तो एक्वा ग्लास, क्रिस्टल ग्लास, यूवी प्लस, तो एलआरएम इसके अंदर जो सारी लाइटें थे वो ब्लिंक होने लगी थी और म्यूजिक भी ऑन हो चुका था, तो इसका जो सर्विस का टाइम था वो भी हो चुका था और फिल्टर चेंज करने का टाइम भी हो चुका था। अभी मैं आपको बताता हूँ उसका फिल्टर कैसे चेंज करते हैं और साथ में सर्विस भी कैसे, इसके साथ सर्विस भी हो जाती है फिल्टर चेंज करने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले आपको यहाँ से जो यहाँ का मेन टैप है इसका एक्वा गार्ड का, वो इसका जो नल है वो बंद कर दीजिए यहाँ से। उसके बाद यहाँ के जो स्विच है उसको देख ले, वो बंद कर दो और इसको जो स्विच है वो निकाल दो। स्विच निकालने के बाद यहाँ की जो ट्रे है वो भी आप निकाल दो यहाँ से, क्योंकि वो नीचे रखते वक्त टूट ना जाए। तो बस आपको अभी एक्वा गार्ड है उसको ऊपर से उठाकर नीचे रखना है। आपको एक्वा गार्ड से इस तरह से पकड़ना है और ऊपर से उठाकर नीचे रख ही देना है। तो ये मैंने एक्वा गार्ड पकड़ा और ऊपर से उठाया और नीचे रख दिया। यहाँ पर आपको दो बातें ध्यान में रखनी है, एक ये वाला यहाँ पे जो बटन है और दूसरा ये वाला बटन है, वो हल्का सा आपको पुश करने से, दोनों साथ से पुश करने के बाद ही ये कैप ओपन होगी। बस ज़्यादा जल्दी मत कीजिएगा, क्योंकि जो चीज़ है वो प्लास्टिक की होती है और बहुत ही सेंसिटिव होती है और ज़्यादा जोर डालने के वक्त ये टूट भी सकता है। तो ये वाला बटन और यहाँ पे ये वाला आपको साथ में पुश करके ही ये कैप ऊपर उठानी है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको हल्का सा पुश करना है और ये कैप यहाँ से थोड़ी हटा देनी है और इस तरफ से यहाँ से भी हल्का सा पुश करना है और उसको उठा देना है। और इसे जैसे उठता है तो आप पूरी कैप निकाल दीजिए यहाँ से, पूरा यहाँ से खोले और उसको यहाँ से हल्का सा खोल दे। तो ये पूरी कैप मैंने यहाँ से निकाल दी है। तो जैसे ही हम लोग कैप उठाते हैं तो हमको इस तरह से दो फिल्टर दिखेंगे, फिल्टर की वापस दो कैप दिखेंगी। तो यहाँ पे इस तरह से दो यहाँ पे फिल्टर है, तो इसके ऊपर लिखा है कि ओपन कैसे करें और क्लोज कैसे करें, इसके ऊपर वो साइन बोर्ड है। तो साइन क्या है, तो मतलब आपको वो वही फॉलो करके आप ओपन करना। और एक बात, ये बहुत ही सेंसिटिव होता है प्लास्टिक, कभी भी टूट सकते हैं, तो ज़्यादा जोर मत डालना, आराम से निकालो, कुछ जल्दी नहीं है। तो चलिए मैं आपको कैसे निकालना है बताता हूँ। तो इसके तरह से कुछ मजबूत चीज़ें, स्ट्रांग जो हार्ड चीज़ है उसके थ्रू हम लोग इसको ओपन करने वाले हैं। तो यहाँ से पकड़े, उसको यहाँ पर रखें और इसको एक बार गार्ड से बराबर से पकड़ना है और पकड़ने के बाद आपको इस तरह से घुमाना है। तो जैसे घुमाओगे तो ये वाला कैप निकल जाएगा। तो ये कैप यहाँ से निकल चुकी है। तो ये रहा एक साइड का फिल्टर। तो चलिए पहले दोनों फिल्टर पहले निकाल देते, उसके बाद में फिल्टर निकालता हूँ। तो गए, इसको ऐसे पकड़ के रखो एक बार गार्ड और इसको यहाँ से पकड़ के जोर से दबाओ। तो जैसे वो निकलेगा तो यहाँ से वो निकल जाएंगे। तो दूसरी कैप भी मैंने यहाँ से निकाल दी है। चलिए फिल्टर निकालते हैं। तो ये रहे फिल्टर। तो एक फिल्टर निकाल के मैं यहाँ पे रख देता हूँ, दूसरा फिल्टर यहाँ से निकाल के मैं निकाल देता हूँ। तो फिल्टर निकलने के बाद इसके अंदर कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, इसके अंदर एक यहाँ पे पाइप होगी दोनों के साइड और पानी आपको इस तरह से गंदा पानी मिलेगा। तो वही आपको पानी यहाँ से अंदर से निकाल देना है। तो उसके पहले आपको जो उसकी स्ट्रो है वो हल्के से पकड़ के खींचो तो निकल जाएंगी। ये पाइप है, इसकी पाइप निकल के मैंने यहाँ पर रख दी और दूसरी पाइप मैंने यहाँ से निकाल के मैंने इसको वापस ऐसे रख दिया। तो अभी क्या करना है, एक हमको आपको एक कपड़ा लेना है और कपड़ा ज़्यादा पतला होना चाहिए, क्योंकि पतला कपड़ा से आप पूरा अंदर वो कपड़ा डाल सकोगे और वो उसकी सफाई आप कर सकोगे। तो चलिए पहले सबसे पहले इसका पानी बाहर निकालते हैं। तो चलिए पहले इसका पानी जो वो है वो निकाल लेते हैं पानी इसका। पानी मैंने अंदर से निकाल दिया है। तो अभी मैंने क्या, ये पुराना हैंडकरचीफ है मेरा, बहुत ही अच्छा है, तो ये पतला है इसलिए वो अंदर से आसानी से जा सकेगा और फिल्टर जो अंदर की जो क्या फिल्टर की जगह है वो हम लोग अच्छी तरह से क्लीन कर पाओगे। तो चलिए मैं आपको अंदर से डाल के बताता हूँ। इस तरह से आपको डालना है क्लोथ और इस तरह से घुमाना है, पूरा साफ करना है आपको। जब तक पूरा अंदर से अच्छा ना हो जाए तब तक आप अंदर से साफ कीजिएगा यहां से अंदर।
क्लीन करो अंदर हाथ डाल के। यहाँ पर आपको ये जो पाइप है उसको भी आपको अच्छी तरह से अंदर से धोना पड़ेगा, तो इसको भी आप यहाँ से उसको धो डालो अच्छी तरह से, क्योंकि अंदर इसके अंदर भी जो कुछ भी चिपका हो जो कुछ भी हो तो वो निकल जाएगा आराम से। इसके अंदर से भी ऐसे निकालो, धो डालो उसको। तो अभी आपको क्या करना है, अभी हम लोग इसके अंदर नए फिल्टर है वो फिल्टर डालने वाले है, तो नए फिल्टर डालने के पहले आपको एक चीज करनी पड़ेगी। तो ये आप यहाँ पे जो देख सकते हो, यहाँ पे जो ये रबर है, ये दोनों रबर जो रबर बैंड है वो दोनों रबर बैंड आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा, इसके अंदर भी है, तो वो पहले निकाल दो, उसके बाद ही आपको वो फिट करना है। तो ध्यान रहे कि आपको शार्प पॉइंट है उससे नहीं निकालना है, यहाँ से जो पॉइंट है उसको हम लोग ये रबर निकालेंगे। यहाँ से हल्का सा ऊपर लो, हल्का सा ऊपर लेने के बाद वो निकालना है आपको। तो इस तरह से मैंने एक निकाल दिया, दूसरा मैंने इस तरह से ये निकाल दिया। यहाँ पर इसके भी है, वो भी हम लोग निकाल लेते हैं। हल्के से पकड़ो और दबाओ और अंगूठे से निकाल दो, ऐसे पकड़ो और खींचो, हो गया। तो मैंने दोनों के रबर निकाल दिए गए हैं, तो अभी ये दोनों फिल्टर मैं साइड पर रख देता हूं और ये रहे मेरे नए फिल्टर। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो गया और आपका क्वेश्चन भी होगा कि आखिर ये आपने फ़िल्टर कहाँ से खरीदे। तो ये फ़िल्टर आप सर्विस सेंटर से भी खरीद सकते हो, आपके घर पे जो सर्विस पर्सन आने वाला है वो भी साथ में लेके आ सकता है। और दूसरा है जो ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है, जैसे कि अमेज़न वेबसाइट है, वहाँ पर आप ईरो का फॉब्स फ़िल्टर कैंडल या कार्टिज करके टाइप करके सर्च करोगे तो वहाँ पर बहुत सारे फ़िल्टर आएंगे। तो आपका जो फ़िल्टर है उसकी हाइट वो 25 सेंटीमीटर की उसकी हाइट है, और एक ब्लू कलर का आएगा और एक ब्लैक कलर का आएगा, और साथ में आपको उसका जो फेस है नीचे का फेस कुछ इस तरह से होगा और ऊपर का जो हैंडल है पकड़ने के लिए कुछ इस तरह से होगा। तो बस आपको यह मैच करना है और सबसे जिसका सबसे ज़्यादा रेट है, जितने ज़्यादा स्टार मिले हैं और जिसका प्राइस आपको कंफर्टेबल दिखता है तो आप उस हिसाब से ले सकते हो। और आप डिटेल में भी देख सकते हो कि आपके एक्वागार्ड को ये सूट है या नहीं, उसका फिटिंग हो जाएगा कि नहीं, वो डिटेल में भी इसके अंदर लिखा होगा। तो इस तरह से है नए फिल्टर, तो इसको मैं अब यूज़ करने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ के जो रबर है उसको आपको इसके अंदर डाल देने हैं। ओके, और दूसरा वाला नीचे, उसके नीचे, बस ये हो गया। अब दूसरा फिल्टर लेना है, तो वही सेम प्रोसीजर आपको यही करनी है। दूसरा ये वाला, तो ये हो चुका है। तो यहां पर एक मेरे पुराने वाले फिल्टर जो मैंने यहां से रबर, दोनों का रबर यहां से निकाल दिया है, जो ग्रिप थी यहां पे वो दोनों ग्रिप मैंने निकाल दी है, तो उसको मैं यहां पे रखता हूं। और ये वाले हैं जो यहाँ पे मैंने इसको अंदर नया रबर डाल दिया था, इसके अंदर जो नई ग्रिप ट्यूब डाल दी थी, तो उस इसको नया फिल्टर आपको इसका डालने से पहले आपको इसको अच्छी तरह से धोना पड़ेगा। तो ये पानी के अंदर आप इसको अच्छी तरह से धो लो नए फिल्टर को, क्योंकि नया नया है तो उसके अंदर से स्मेल भी आ सकती है, और इस तरह से आप इसके अंदर से धो डालो। ताकि जो नया फिल्टर की स्मेल ना, इसलिए आपको ये नया फिल्टर पहले धोना पड़ता है। तो इसको भी मैंने अच्छी तरह से धो डाला है। तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी ये दोनों जो पाइप है वो ये दोनों पाइप में वापस अंदर डालूंगा और ये दोनों फिल्टर अंदर ज्वाइन करने वाला हूँ। तो चलिए ये पाइप में आपको अंदर डाल देता हूँ। दोनों पाइप में अंदर डाल दी है। अभी ये फिल्टर जो नए फिल्टर है, अभी ये जो नए फिल्टर है तो वो भी हम लोग अंदर इसके अंदर डाल देते हैं। इसके ऊपर रखने के बाद आपको हल्का सा पुश करना है। ये दूसरा बड़ा फिल्टर है, उसको भी अंदर डाल देते हैं। इसको पकड़ के हल्का सा आपको पुश करना है।
ये हो गया। अब इसकी जो कैप है उसको अच्छी तरह से आप बंद कर दीजिए। तो ये मैंने अच्छी तरह से टाइट कर लिया है, तो अभी अच्छी तरह से सब काम हो चुका है, तो उसके ऊपर की कैप बंद करके हमको वापस ऊपर लगाना है। तो चलिए पहले हम लोग ये कैप जो है वो बंद कर देते हैं। पहले इसको इस तरह से पकड़ो और इसे सीधे ले जाओ और उसको हल्की तरह से अंदर पुश करो, ज़्यादा जोर मत डालना क्योंकि ये जो प्लास्टिक होते हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, कभी भी टूट सकते हैं। तो हल्के से उसको अंदर आपको अंदर डालना है। तो ये मैंने ऐसे यहाँ से फिल्टर एक कैप मैंने यहाँ से बंद कर लिया, ये हो चुका है बंद। तो चलिए इसको अब इसकी सही जगह पे वापस डाल देते हैं। इसको ऐसे पकड़ना है और आपको देखना है कि वो अंदर जाता है या नहीं। तो ये हो चुका है फिट। अभी ये जो प्लग है वो प्लग आपको इसके ऊपर डाल देना है। ये हो चुका है और ये वाली कैप भी आपको वापस लगा लेनी है यहाँ पे। तो चलिए अभी ये एक एक्वा गार्ड को हम लोग शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से ये टैप आपको यहाँ से ऑन कर देना है। अब टैप मैंने ऑन कर दिया है और ऊपर की स्विच आप यहाँ से ऑन कर दीजिए। और स्विच ऑन करने के बाद आपको 2 लीटर पानी एक्वा गार्ड में से निकाल देना है और उसके बाद ही आपको एक्वा गार्ड यूज़ करना है। ये जरूरी है क्योंकि आप जो अपने जो फिल्टर अंदर से डाला है वो फिल्टर अंदर से क्लीन हो जाए, इसलिए पहले 2 लीटर पानी निकाल दीजिए, उसके बाद आपका एक्वा गार्ड रेडी है यूज़ करने के लिए।